हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए, कोरोना पैंडेमिक ने हमारी ज़िंदगी के लगभग हर पहलू को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर्स जो इस कोरोना के चलते वर्ल्ड वाइड है, उसमें एक एजुकेशन सेक्टर है। आप इसकी भयावहता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 90% से ज़्यादा वर्ल्ड स्टूडेंट पॉपुलेशन कोरोना के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका मानसिक विकास सब कुछ रुका है। हमारे इंडिया की बात करें और स्पेसिफिकली बात करें आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की, तो आपको पता ही है एग्जाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। बच्चे 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करते हैं कि इन एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। तो इस साल मार्च में ये जो कोरोना का असर एकदम से इंडिया पे भी गिरा और एकदम से लॉकडाउन लगा, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। अपना ये जितना भी प्रिपरेशन मार्केट है या स्कूल्स है, सब ऑफलाइन मॉडल में चलते हैं। ऑनलाइन मॉडल में बिल्कुल एक तरह से निग्लिजिबल ही था, टेक्नोलॉजीज को कोई ज़्यादा यूज़ कर भी नहीं रहा था। अब एकदम से ये समस्या आ गई, न टीचर्स तैयार थे न स्टूडेंट्स तैयार थे, बट एकदम से अब कुछ आता है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो वैसे ही आविष्कार किए माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, गूगल क्लासरूम, सब तरह की टेक्नोलॉजीज के साथ अलग अलग स्कूल, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेके चल पड़े। बट इसको आविष्कार की जगह यहाँ मैं बोलूँगा अपने यहाँ जुगाड़ ज़्यादा हुआ। ये इतना अच्छा मौका था, मार्च में ये हो गया था, और लोगों को तभी अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि शायद ये लंबा चलेगा, जो पुराने पेंडेमिक्स का एक्सपीरियंस था। बट नहीं, लोग सबसे पहले इसको डिनायल में रहे। लोगों ने अडॉप्ट तो कर ली टेक्नोलॉजिकल टूल्स, बट उन्हें लगा ये तो केवल एक जुगाड़ है, महीने 2 महीने का, उसके बाद अपन उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। और ये सब कार्यक्रम हुआ क्यों शुरू? मार्च या अप्रैल में ही आप देखोगे सब इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स ऑनलाइन शिक्षा पे आ चुके थे। क्यों? क्योंकि फी कलेक्शन उन्हें जारी रखना था। उस वक्त मेजरली मेरे को मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बट ये सच्चाई है, मेजरली सबका फोकस यही था कि कैसे अपने कैश फ्लोस को इंटैक्ट रखा जाए, इंस्टेड कि कैसे इन टेक्नोलॉजिकल टूल से एक बढ़िया शिक्षण व्यवस्था निकली जा सके, कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल करके बच्चों को वाकई में बिना टीचर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के भी आप अच्छे से पढ़ा सकें। बट वो एम था भी नहीं, क्योंकि सबने इसको 1-2 महीने की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लिया था। बट जैसे जैसे टाइम बीत गया, मार्च से अप्रैल आया, जुलाई आया, आज अपन अक्टूबर में बात कर रहे हैं, कई जगह न्यूज़ेस है शायद नवंबर से कुछ स्कूल स्टार्ट हो जाएं या हो, धीरे धीरे कुछ प्रोग्राम वापस पटरी पे आए। बट फिर मान के चलिए अभी भी बहुत मुश्किल है ऐसा कह पाना कि उसी तरह से आपके स्कूल्स और कोचिंग शुरू हो जाएंगे कि कोटा में जैसे आप 100 100 200 200 बच्चे एक हॉल में बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता अभी ये चीज़ 1 या 2 महीने में भी वापस से पटरी पर आने वाली है। तो ये जो अपना ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपेरिमेंट चला है, ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चलता रहेगा। बट जैसा मैंने कहा इनिशियली, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना था, वो लोगों ने तब नहीं किया। बट हाँ, धीरे धीरे सुधार जरूर हो रहा है। अभी आप देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूट एक्चुअली थोड़े ढंग के वीडियोज बेटर टेक्नोलॉजीज के साथ, इंटरेक्शन के साथ लेके आए हैं। तो चलिए, आज के वीडियोज में के लिए मैंने आप लोगों से 2 हफ्ते पहले सजेशन मांगे थे और आपके बहुत सारे रिस्पॉन्स मुझे मिले। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर समस्या जो मुझे भी फील हुई है स्टूडेंट से बात करते करते, सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये आ रही है, आप भी इसको वैकल्पिक व्यवस्था मान के बैठे थे और आपने भी और आपके इंस्टीट्यूट्स ने, क्योंकि उन्हें लगातार फीस आपसे चाहिए तो वो कोर्स को उसी तरह से कंप्लीट करा रहे थे जैसे ऑफलाइन में कराते हैं। वो ये भूल गए थे कि भाई ऑनलाइन है शायद सिलेबस भी कम हो जाएगा, या आप अभी आप अक्टूबर नवंबर में 12th का सिलेबस फिनिश करते हो आईआईटी वाले स्टूडेंट के लिए, इस बार दिसंबर जनवरी में भी कर दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बट वो अपनी उसी निरंतर गति से चल रहे थे। कई कई इंस्टीट्यूट्स ने 4 4 5 5 घंटे के डेली लेक्चर्स आपको दिए और 4 घंटे का एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजे हुए हैं 3 सब्जेक्ट्स के। आप उसको देखते हो तो 4 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है, आपको 7 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि कई बार कोई चीज़ को दोबारा समझना पड़ता है, फिर उसके ऊपर प्रॉपर नोट्स बनाते हो, और 7 8 घंटे तो केवल लेक्चर देखने, नोट करने, समझने में ही लग जाते हैं और आपकी आंखें भी उसमें फिटअप हो जाती हैं। तो ऐसा 6 महीने तक आप लगातार कर पाते, ऐसा बहुत ही मुश्किल था। ये वही कर सकते हैं जो एक्चुअली थोड़े बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं या जिनका एप्टीट्यूड या डिसिप्लिन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो नतीजा यही निकला कि अब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलते हैं जो ये कहते हैं कि सर 50 50 60 60 लेक्चर पेंडिंग है, 20 20 25 25 लेक्चर हर सब्जेक्ट में पेंडिंग है, सर अब क्या करें। तो लेक्चर पेंडेंसी आज की तारीख में बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब देखिए, इतने 6 महीने की आपने पेंडेंसी निकाली है तो इसका इलाज एकाएक तो होगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा सबसे पहला काम ये कीजिए, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आपके इंस्टीट्यूट टीचर्स को, इंस्टीट्यूट काउंसलर्स को आप बताइए अपनी स्थिति। कई इंस्टीट्यूट जानना भी चाहते हैं बट बच्चे बताते नहीं हैं, स्पेशली कोटा या ऐसे जगह जहां उनको पता है कि आपके
प्रिपरेशन या आपकी रैंक के बेसिस पे टेस्ट में कैसा करते हो, आपके बैच अलोकेटेड होते हैं। तो जिनको अच्छे बैच मिले हुए हैं वो बताते भी नहीं है, बोले अगर हमने बताया कि इतने लेक्चर छूटे हुए हैं तो हमें कहीं पीछे के बैच में डाल दिया। तो भाई ये बैच का आगे पीछे आप छोड़िए, सबसे पहले चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहाँ के टीचर्स को आप अपनी बिल्कुल जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है वो बताइए। वो आपको डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक नॉन स्टूडेंट का मेरे पास आया था कि सर इतने पेंडिंग है, मैं घबरा रहा हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा आपके इंस्टीट्यूट पर बात कीजिए। उन्होंने बात की और इंस्टीट्यूट ने अब जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें उन्हें वापस से एडमिट कर दिया कि आप उस बैच से वापस कंटिन्यू कीजिए, कि इतना सारा आपका छूटा हुआ है, आप कवर करते करते परेशान हो जाओगे। तो इस तरह के सोल्यूशन निकलेंगे। या फिर जो ट्वेल्थ में स्टूडेंट है, बेटा आप टीचर से बात करोगे, सब्जेक्ट टीचर आपको समझा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, EMI ऐसे टॉपिक पढ़ा दिए और वो वीक है, बट अब मान लीजिए अब सेकेंड बुक शुरू हो चुकी है रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स वाले सेक्शन, तो वहां पे वो चीजें इतनी डायरेक्टली लिंक नहीं होंगी। तो अभी आप रे ऑप्टिक्स अगर आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म शायद बाद में भी कर लिए जाएंगे। तो आप पहले वो देखिए कौन से अनकनेक्टेड टॉपिक्स से उनको फिर भी अपन बाद में लेटर स्टेजेस पे कवर कर पाएंगे, बट जो करंट टॉपिक्स हैं उनके लिए अपने टीचर्स से हेल्प कीजिए लीजिए, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। ऐसी हो सकता है केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपका छूट गया, कोई इनऑर्गेनिक का पार्ट छूट गया, तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो, टीचर आपको बोले कि आप पहले पूरा कोर्स कर लीजिए, बाद में उन टॉपिक्स को अलग से कर लेंगे, तो आपकी कई समस्याएं वहां से भी दूर होगी। बट इसके इलाज के लिए आपको यही करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी स्थिति बताइए टीचर्स अपने आप, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट भी आपकी स्थिति को अंदाजा देख के अपनी स्ट्रेटेजी को बेटर एडजस्ट करें जो आपके लिए फायदेमंद निकले। तो यहां मेरा रूल रहेगा अपने टीचर्स वगैरह से बहुत अच्छे से बात करें, प्लस खुद से डिसिप्लिन बनाएं कि आपने भी कई बार आलस के चलते या कुछ और अनिच्छा के चलते आपने जानबूझ के बहुत सारे लेक्चर्स पहले मिस कर दिए तो कर दिए, अब नहीं करें। अब नया पेंडिंग काम उस लिस्ट में ऐड नहीं करें, मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है। अब ईमानदारी से पढ़िए, देखिए ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो हैं बेटा ना बहुत आपके क्लोज टाइम आ रहे हैं, अब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर चुके हैं, आपको बोर्ड एग्जाम सारे एग्जाम आगे देने हैं। और देखिए इलेवंथ के स्टूडेंट्स के साथ तो समस्या और थी कि वो तो टीचर्स को भी नहीं जानते। ट्वेल्थ में तो मोजरली क्या होता है, स्टूडेंट इलेवंथ में पढ़ रहा होता है, टीचर को जानता है तो शायद टीचर से शेयर अच्छे से कर पाता है। इलेवंथ के स्टूडेंट शायद कई तो टीचर्स से आज तक मिले ही नहीं है, तो उनके लिए समस्या ज़्यादा है। फिर भी आप टीचर से बात कीजिए, मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा। फिर एक समस्या आती है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो ये सही बात है, एक जो टीचर का स्टूडेंट से डायरेक्ट संवाद होता था, टीचर को देख के ही कॉन्फिडेंस आता था, या आपस में बच्चों के साथ आप जो पीयर टू पीयर डिस्कशंस करके अपने डाउट्स रिमूव करते थे, उससे आपका कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ता था, दूसरे स्टूडेंट को पढ़ता देख के भी आपकी भी इच्छा होती थी। अब यहाँ आप सिक्लूजन में बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे सिलेबस मूव कर रहा है, बहुत सारा छूट गया है, तो सही में मोटिवेट होना बहुत मुश्किल है, मोटिवेशन लेवल डाउन है। तो भी फिर भी मान के चलिए, देखिए मोटिवेशन का केवल एक ही तरीका है कि पहली चीज़ आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप IIT या NEET की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या रियल में आपका सपना है, क्या आप सही में IIT बॉम्बे या MBBS के अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उस सपने को पूरा करना है, तो उस सपना ही आपको प्रेरणा देगा। तो हमेशा अपने आप को बार बार याद दिलाइए, मैं इतनी मेहनत करी क्यों रहा हूँ, सिंपल 11th 12th क्यों नहीं पढ़ ली, क्यों मैं इतने सारे सवाल कर रहा हूँ, क्यों मैं HC वर्मा, क्यों मैं हेलिडे रेसनिक के सवालों में इतना परेशान हो रहा हूँ। तो याद रखिए परेशानी आप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए, तो आपका सपना आपको मोटिवेशन देगा। तो बार बार खुद को समझाइए ये चीज़, और इसमें आप अकेले मत हो जाइए, अपने पेरेंट्स से भी रेगुलर डिस्कस कीजिए, अपनी ज़िंदगी को भी जिए, बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हो, डिप्रेस भी नहीं हो इसलिए कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए और बस अपना काम डेली करते जाइए। तो एक तो ये बात हुई। एक और समस्या जो आप लोगों की आती है कि भाई डाउट्स कैसे पूछें। सही बात है, बड़े इंस्टीट्यूट्स में जहाँ टीचर्स को आप इतना ईजिली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी मैं कहूँगा आप कोशिश कीजिए। कई इंस्टीट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स को, टेलीग्राम ग्रुप्स को, आप उनकी यूज़ करिए। प्लस मेरा भी एक गुजारिश है कि आप मोस्टली इंस्टीट्यूट्स ने शुरू भी किया है, देखिए ये लेक्चर पेंडेंसी डाउट का प्रॉब्लम यही था जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने में ही आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि इंस्टीट्यूट भी अपने लेवल पे जितनी ज़्यादा लाइव इंटरक्टिव क्लासेज हो वो बेटर है। देखिए लाइव इंटरेक्टिव क्लास में क्या होता है, टीचर पढ़ाता है तो कोई स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ करता है, टाइम आपको मिलता है, कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। बट हुआ क्या, ये रिकॉर्डिंग में लोगों ने क्या किया कि पहले से स्लाइड्स बना ली, पहले से लिख के तैयार रख लिया, तो कंटेंट पहले से तैयार है और टीचर धमाधम क्वेश्चन कराया जा रहा है बिना कोई ब्रेक दिए, पर आपको पढ़ते हुए ब्रेक देने पड़ते हैं, इसलिए आपके लिए वो टाइम बढ़ जाता है।
लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में डेफिनेटली सिलेबस का पेस अपने आप ही स्लो डाउन हो जाता है, तो आपके लिए ब्रीदर स्पेस मिल जाता है। तो मेरी अगेन जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं उनसे भी यही गुजारिश है, आप जितनी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लें, देखिए बहुत बड़े बैच साइज में शायद इतना लाइव क्लासेस लेना संभव नहीं हो, तो भी आप लाइव डिस्कशन क्लासेस जरूर लीजिए, बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए। और प्लस मतलब कई जने कर भी रहे हैं, कई इंस्टीट्यूट रेगुलरली आपसे बात भी कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली आप ये चीज समझाइए। इसके बाद जो एक और जो इश्यूज आ रहे हैं वो एक्चुअली जेन्युइन है कि अपन क्या होते हैं पढ़ते हुए बिल्कुल मशगूल हो जाते हैं, पूरा 1.5-2 घंटे स्क्रीन को सामने ऐसे रख के ही देखते रहते हैं, मोबाइल को, टैबलेट को, और उसमें क्या होता है अपन कुछ बेसिक गलतियां करते हैं और उसके कारण अपने आई स्ट्रेन, सर दर्द और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो देखिए इन प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा तरीका है, देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कहते हैं 20-20-20। आईज के लिए कहते हैं हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक दीजिए और 20 सेकंड तक लगातार अपनी आंखों को कम से कम 20 फिट दूर किसी चीज पे नजर गड़ा के देखिए, तो इससे आपकी आईज रिलैक्स होंगी। प्लस अपनी आईज को ब्लिंक कीजिए, क्योंकि वो ड्राई आईज की प्रॉब्लम वरना हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम देगी। तो आईज को बार बार ब्लिंक करना, हर 15-20 मिनट के बाद 20-25 फिट दूर लगातार 15-20 सेकंड तक देखना, ये कुछ चीजें आपको अपने डिसिप्लिन में लानी है। प्लस कुछ एक्सरसाइजेज आप करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, योगा में भी होते हैं और जगह भी होते हैं, आप उनको जरूर कीजिए, उनको करिए, या अगर आप योगा प्रैक्टिसेस करते हैं तो जल नीति की क्रिया भी आप कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फ्रॉम दैट। और साथ के साथ मेरा ये भी कहना है कि वैसे भी देखिए बाहर का खाना कम हुआ है तो घर का हेल्दी फूड खाइए, न्यूट्रिशन बढ़िया लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कीजिए, शायद आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा और ये इन चीज़ों से आप थोड़े से दूर रह सकेंगे। और अंत में मैं फिर यही कहूंगा, देखिए अब परेशान मत होइए, अकेले में दुखी मत होइए कि आपका छूटा है, आप नहीं पढ़ पाए, मेजरली जनता का यही हाल है, तो आप अकेले नहीं है, अभी भी टाइम बहुत है भाई, अभी भी अगर आपका एग्जाम अप्रैल या मई में होता है, जनवरी अटेम्प्ट तो देखो जेई मेन का मुझे अभी भी लगता नहीं है होगा, जब भी होगा लेट से मैं तो अप्रैल की बात ही करता हूँ अभी, तो अप्रैल या मई में आपके नीट के एग्जाम हो जाते हैं बेस्ट केस में, जो कि लगता मुश्किल है, तो भी यार आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए भाई, अभी रिजल्ट आए हैं, कई बच्चे तो रिपीटर बैच में रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए हैं, वो 6 महीने में पूरे 2 साल का कोर्स वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ सकते हैं, तो इतना परेशान मत होइए, टाइम आपके पास है, आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, टॉपिक्स को ढंग से देखिए, सिलेबस भी आपके रिड्यूस हुए हैं बोर्ड के लिए, तो और मुझे उम्मीद है शायद आपके हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिड्यूस हो, जैसे NTSC एग्जाम के लिए भी कई स्टेट्स में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हो सकता है इस साल JEE या नीट के लिए भी आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो जाए, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, आप परेशान नहीं होइए, बस आप पढ़ते रहिए, पढ़िए मन लगा के पढ़िए, बिना मन के मत पढ़िए, डिजिटल डिसिप्लिन बनाइए, पढ़ते वक्त अपने को मोबाइल लैपटॉप देखना पड़ रहा है बट उसके बाद मोबाइल लैपटॉप को कम से कम यूज़ करें, कुछ संडे का डे जिस दिन टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ अपना डिसिप्लिन बनाएं, नो डिजिटल डे बनाएं, उस दिन कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस अपन यूज़ नहीं करेंगे, दोस्तों से ज़्यादा व्हाट्सएप पे गप्पे लगाने से बेटर है कि आप फोन पे बात कर लें, या फिर कभी कभी मतलब अपना टाइम डेडिकेट करें, ये नहीं है कि घंटों आप केवल चैट पे फ्रेंड से ही डिस्कस कर रहे हैं, टीचर से जरूर कॉन्टैक्ट बनाइए, वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टीचर से कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। देखिए मैं जिन टीचर से मैं आज तक सबसे ज़्यादा सीखा हूँ, जिनसे मैं प्रभावित रहा हूँ, मेरे सर बिल्कुल अच्छे से कहते थे बेटा हमारी शक्ल जब तक नहीं देखोगे सिलेक्शन कैसे होगा, तो टीचर्स से दूरी नहीं बढ़ाएं, भले ही फिजिकली वो आपके सामने नहीं है बट व्हाट्सएप, जूम, पता नहीं कितने तरीकों से टीचर्स कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उन कॉन्टैक्ट्स के जरिए उनके कॉन्टैक्ट में जरूर रहिए। एंड अगेन बी पॉजिटिव, परेशान मत होइए, मैं फिर कह रहा हूँ आप अभी भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप अपने लक्ष्य को अभी भी पालेंगे, ज़्यादा परेशान ना हो, और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस सीरीज को अपन थोड़ा और आगे और विस्तार से लेंगे आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।